जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि आरपीएफ के तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन देखने को मिला है कि जो 4600 आपका 60 वैकेंसी है वो अपकमिंग है, जिसका फॉर्म जो है आपका वो 15 अप्रैल से जो है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे मित्र, ऐसे में जितने भी आरपीएफ के छात्र हैं उनको विशेष करके ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो ग्रुप फॉर्म भरने के दौरान आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका ए बी सी डी ई एंड एफ के रूप में होगा, यानी कि 6 ग्रुप होंगे, ये ग्रुप क्या है, और ध्यान में रखिएगा कि ये ग्रुप आपको चूज करना बहुत ही जरूरी है, बगैर इसके जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं माना जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करते हैं तो उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, कांस्टेबल का, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र इस दोनों बुक के सहारे, ये चूंकि आपका सॉल्व पेपर है तो इस दोनों बुक के सहारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ एसआई वगैरह के लिए आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इसके सहारे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहरहाल हम बात करने वाले हैं ग्रुप की, तो ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह आपने ईएलपी के लिए अपना बोर्ड चुना है, या आप कह सकते हो अपना जोन चुना है, ठीक उसी तरीके से आरपीएफ में यहाँ पे आपको क्या करना होता है। सर, ये ए बी सी डी ई और एफ ग्रुप चुनने होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको अलग अलग आरआरबी जो है वो नहीं देखने को मिलता है, इसमें सभी जोन को क्या कर दिया जाता है, तो सर मर्ज करके एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जोनल यहाँ पे जोन की, तो आपका जो ग्रुप ए है इसमें आपका कौन कौन सा आपका जोन आ जा रहा है, एसआर, एसडब्ल्यूआर, एससीआर, बी में सीआर, डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, एसईसीआर, और सी में आपका ईआर, ईसीआर, एससीआर और ईसीओआर। मतलब इस तरीके से आपका जो मतलब आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहां पे जो आपका जोन है वो इस 6 ग्रुप में बटा होगा, और आपको अपना फॉर्म सबमिट करने वक्त या एप्लीकेशन भरते वक्त ये ग्रुप क्या है सर सेलेक्ट करना होगा। और ध्यान में रखिएगा ये ग्रुप बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कट ऑफ होती है सर कहीं ना कहीं क्या होती है, ग्रुप वाइज होती है। और ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप सही तरीके से ग्रुप नहीं सबमिट करेंगे, जब तक आप सही तरीके से ग्रुप सबमिट नहीं करेंगे तब तक तैयारी करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ लेकर के इतनी हाई तौबा मची हुई है, तो मेरे मित्र आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह हम लोग आरआरबी के लिए क्या करते हैं तो अलग अलग जोन चुनते हैं या अलग अलग बोर्ड चुनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मतलब कई सारे जोन को मर्ज करके एक ग्रुप में रखा गया है, और मेरे मित्र उसी ग्रुप से आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप ग्रुप ए से अप्लाई करते हैं या फिर ग्रुप बी से, या ग्रुप सी से, या फिर ग्रुप डी से, या फिर ग्रुप ई से, या फिर ग्रुप एफ से। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो ग्रुप है ए बी सी डी एफ वो क्या है, तो सर अलग अलग जोन का मर्ज किया हुआ एक लिस्ट है जिसके सहारे आपको क्या करना है, अपना फॉर्म डालना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप सबों को देना था, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।